मेरा भी मेरे सारे परफॉर्मेंस जो भी थे आज के प्रोग्राम के लाइट क्रू आर्टिस्ट ने जो उनके द्वारा आयोजित हुए हैं जी। वो सारे बहुत प्यारे थे। सारे परफॉर्मेंस जो है वो यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी स्किल्स को निखारने का एक मंच है लाइट क्रू आर्टिस्ट अपनी। हमें तो यार ओपन माइक हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि शायरियाँ हमें बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया और मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी कि ये ओपन माइक्स मतलब कितने इम्पोर्टेंट और कितने अच्छे होते हैं। इतिहास लिख दिया तुझे क्लासिक्स दिया 5x बैट गली वाले ने दिया अब पीछे से आके फिर सामने से दिया सचिन का बैट बम्बई। हेलो वेलकम बैक टू गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। और जो हमारी टीम है लाइट क्रू की टीम, वो आज हम लोग ओपन माइक शो कर रहे हैं। तो ओपन माइक शो में बहुत सारी चीज़ें होंगी, सिंगिंग, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग एंड लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस। तो वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ के आर्टिस्ट हैं और कुछ यहाँ के लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होगी, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो लेके चलते हैं लाइट क्रू की टीम पर। आर्टिस्ट बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं, प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है और एक हमारी आर्टिस्ट हैं जो एक अपनी आवाज़ में प्यारा सा सॉन्ग गीत गाएंगी। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वो गीत गाएंगी आज। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिवानी है। ओके, और आज आप क्या गाने वाली हैं? आज हम ओ खुदा गाने वाले हैं हीरो मूवी का। ओके, और आज हम बहुत एक्साइटेड भी हैं। वेरी गुड। तो एक सवाल मेरा ये था आपसे कि संगीत आप कब से, मतलब कब से गाने गा रही हो? संगीत का शौक तो बहुत टाइम से है। कब से? टाइम काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर लाइट क्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें हमें परफॉर्म करने का उस चीज को मौका मिला। हाँ, तो ऑलमोस्ट लगभग 2-3 साल तो हो चुके होंगे इससे, और पहले से आप गाना गाती हैं? 5 साल से ज्यादा हो गया, क्योंकि स्कूल में थे ना, क्वायर में थे तो गाते थे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बस इतना बता दे क्या थी मेरी खता जो तू मुझसे यूं हो गया है जुदा। न तूने वजह बताई बस दे गई जुदाई। अब रात को डसे मेरी तन्हाई क्यों हो गया तू। तो दूसरे कंटेस्टेंट से हम बात करते हैं और थोड़ा सा उनसे भी डिटेल में जानते हैं कि वो क्या परफॉर्म करने वाले हैं और किससे रिलेटेड वो अपनी चीजें लिखते हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? निधि। तो आप आज लाइट क्रू के मंच पर क्या परफॉर्म करने वाले हैं? पोइट्री। तो पोइट्री में आप किस चीज से रिलेटेड पोइट्री अपनी लिखते हैं? तो मतलब एक होता है ना इंसान का मन में कि मैं जिस भी चीज़ पर लिख रहा हूँ एक सेलेक्टेड पार्ट होता है, आपका क्या है वो जोन, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? सेलेक्टेड जोन तो ऐसा कुछ नहीं है, सच बताएं वो तो मेंटल थॉट्स हैं जो दिमाग में चल रहा होता है, वो बस लिख दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट ये कब से कर रहे हैं आप? कब से लिख रहे हैं? 2 साल हो चुका है। तो पहले भी परफॉर्म करते हैं? तो एक सवाल था मेरा आपसे पोइट्री से रिलेटेड कि सपोज जो भी चीज़ें हम लिखते हैं, आपको लगता है कि ये जो भी हमारा लिखने का मैसेज है अगर हम किसी मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो उससे कुछ चेंजेस आता है क्या समाज में? ऐसे सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो सुनते बहुत ध्यान से, ये एक बहुत एंजॉय करते हैं।
हाँ ये बात आपने सही कही है, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो सुनते हैं, बाकी तो सब अपना एंटरटेनमेंट करने आता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और आपका भी नाम बता दीजिए। ऑडियंस आए, चलिए थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम जैसे शुरू हो चुका है और कुछ आर्टिस्टों से बात करनी है, और आर्टिस्ट जो हमारे यहाँ पर पोइट्री करते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि कब से वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपका नाम बताइए। एकता सोलंकी। एकता सोलंकी, आज आप लाइट ब्लू के मंच पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं? मैं पोइट्री बोलने वाली हूं। ओके, तो आप लिखते हैं? हाँ। कब से? मैंने ये मतलब ऐसा हॉबी स्टार्ट किया था कोविड में, बट फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता गया तो फिर अब परफॉर्मेंस पे आ गएंगे। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया लिखते हुए? ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 इयर्स हो गएंगे। एक सवाल था मेरा आपसे, लिखते टाइम आपके माइंड में क्या फिलॉसफी होती है, क्या रहता है कि किस बारे में लिखूं, क्या रहता है? मतलब जो चीज़ हम देखते हैं सराउंडिंग में अपनी, उसी के बारे में मतलब मैं सोचती हूँ उसी के बारे में लिख देती। आजकल बहुत से लोग ब्रेकअप के ऊपर बहुत चल रहेगा, तो मतलब उसके ऊपर लिख देते हैं। कभी कभी जैसे मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ तो मैं ट्रैवलिंग के ऊपर भी कुछ लिख देती हूँ, मतलब सराउंडिंग के ऊपर ज़्यादा लिखती हूँ जो चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आप ये मानते हो कि लिखने से जो हमारा समाज है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है अगर हम अपनी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं? बस बिल्कुल आ सकता है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप फेस चेंज कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो हमारे जो एक लाइट क्रू में आर्टिस्ट है उनका नाम है सत्यम सोनी, और वो शायरियाँ करते हैं। थोड़ी सी उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं आज उन्होंने जो परफॉर्म किया था उसके बारे में थोड़ा सा उनसे बात करते हैं, और वो कब से लिख रहे हैं और क्या रहता है उनका इस चीज़ पे मेन फोकस। तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, पहले तो अपना नाम बता रहे हैं हमारी ऑडियंस को। जी मेरा नाम सत्यम सोनी है। तो सत्यम भाई, आज का आपका परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार था मैंने सुना, आप बताएं कैसा रहा आपका अपनी तरफ से? मेरा भी, मेरे सारे परफॉर्मेंस जो भी थे आज के प्रोग्राम के लाइट क्रू आर्टिस्ट ने जो उनके द्वारा आयोजित हुए हैं जी, वो सारे बहुत प्यारे थे। सारे परफॉर्मेंस जो है वो यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी स्किल्स को निखारने का एक मंच है लाइट क्रू आर्टिस्ट अपनी झांसी शहर में। सत्यम भाई, एक मेरा सवाल था आपसे कि आप पोइट्री कब से कर रहे हैं? मैं पोइट्री यही कोई 3-4 साल से लिख रहा हूँ। आपके फेवरेट लेखक कौन से हैं? मैं अगर कहूँ मेरे फेवरेट लेखक हैं जिनसे मैं पढ़ के सीखा हूँ यहाँ तक, तो वो गुलजार साहब। गुलजार साहब हैं, तो जब से उनकी शायरियाँ आपने पढ़ी फिर आपने लिखना शुरू कर दिया, तो शायरी आपका एक पैशन है क्या? नहीं, एक हॉबी समझ सकते हैं आपकी, कभी कभी अगर मन हुआ तो लिख लेते हैं। ओके ओके, तो जैसा कि सत्यम भाई ने बताया अपने बारे में कि कब से शुरुआत करी और क्या क्या उनकी मतलब हॉबीज़ हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सत्यम भाई। और एक बार मेरी ऑडियंस को बोलें लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक बार इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है तो इस प्लेटफॉर्म पर आप आइए, आपका स्वागत है। ओके, तो जो हमारा कंटेंट है हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आपको दिखाएंगे क्या क्या था वो, और हमारे एक आर्टिस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी की है और बहुत अपने पब्लिक को हंसाएं। तो भैया प्रियांक भाई, क्या हालचाल है पहले तो बताइए। बहुत बेहतरीन। तो स्टैंड अप कॉमेडी आप कब से कर रहे हो? ये अपने ग्रुप में हुआ था पहले स्मैक क्लब से, उसके बाद आपका आपने अप्रोच किया। जी जी, तो उसकी बात से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, जब भी ओपन माइक मिलता है, ओपन माइक का वो आता है इन्फॉर्मेशन जी, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके कर लेता हूँ। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन आपके कौन से हैं? बहुत सारे हैं यार। बहुत सारे? मतलब हर एक को अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ ना। जो हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं वो हैं कोई फेवरेट्स, या जो हमारे थोड़ा सा चैनल्स पे टीवी चैनल्स पे आते हैं यूट्यूब वाले, एक आध का नाम बताएं। अभिषेक उपमन्यु, राहुल दुआ, समय रैना, प्रशस्ति सिंह जी, ठीक है, स्वाति सचदेवा, अनुभव सिंह बस्सी, बहुत सारे हैं, कितने नाम बनाऊँ, कैनी सेबेस्टियन, बहुत सारे। तो आज का आपका परफॉर्म हमने देखा काफ़ी बढ़िया था और पब्लिक ने काफ़ी हंसा, तो एक बार मेरे चैनल के लिए बोलिए जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई करो लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, क्या कर रहे हो घर बैठे, यार स्क्रॉल करने से अच्छा है वीडियो देखो यार, मजे करो। थैंक यू। ऑलराइट, सिंगल रहो। जो इस मोक्ष के ऑनर हैं सिद्धार्थ भैया, उनसे भी हम बात करते हैं और बहुत वो हमारा सपोर्ट करते हैं हमारी टीम के लिए, तो उनसे पूछते हैं कि कैसा रहता है हम लोगों का परफॉर्मेंस, और उनको दिल से थैंकफुल। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? एकदम मस्त यार, एकदम मस्त। तो सिद्धार्थ भैया, पहले तो आप ये बताइए जो आज हमारा इवेंट हुआ ओपन माइक, कैसा लगा आपको? हमें तो यार ओपन माइक हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि शायरियाँ हमें बहुत पसंद है। ओके, तो उसके चक्कर में हम इंटरव्यू दे रहे हैं।
उसके चक्कर में हमें तो हमेशा बड़ा मजा आता है। तो सिद्धार्थ भैया, जैसा कि मैंने देखा है, आप हमेशा हमारे लाइट क्रू टीम को सपोर्ट करते हैं, ये एक बहुत दिल से थैंक, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हम जैसे लोगों को टैलेंट के थोड़ा अप्रोच करते हैं। तो एक ये सवाल था आपसे कि आगे भी इस तरीके के शोज होते हैं तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब यार, हम तो हमेशा फ़ोन करके खुद कहते हैं कि आके आप लोग शो करो। आप इवेंट कैफे भी आपने देखा होगा, हमने पेंटिंग्स करा रखी हैं। जी जी, कोई वॉलपेपर यूज़ नहीं करे, क्योंकि लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना हमें बड़ा मजा आता है। जी ठीक है, जे भी हमने अलग अलग आर्टिस्टों से पेंटिंग बनाई है, इस तरीके से झांसी का नाम होगा, थोड़ा झांसी बढ़ेगा उसमें। और एक बात मैं बता दूं, मोक्ष रूफटॉप कैफे भैया कितने दिन पहले खुला था ये बताइए थोड़ा। एक साल हो गया और एकदम हाई क्लास चल रहा है, बेहतरीन टॉप पर चल रहा है और मेरा भी फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो झांसी वाले तो इसको ऑलरेडी जानते हैं, बट आउट ऑफ झांसी से हैं उनका भी मेरे लिए एक मैसेज है कि जब भी आप झांसी आए तो सीपरी बाजार मोक्ष रूफटॉप कैफे जो है यहाँ पर जरूर विजिट करें, और सिद्धार्थ भैया आपको यहाँ पर मिलेंगे और इस कैफे का आप एक जरूर एक्सपीरियंस और एंजॉय कीजिएगा। बहुत अच्छा एक प्लेस है एंजॉय के लिए और काफी अच्छा यहाँ का वातावरण रहता है। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। तो जो लाइट क्रू में हमारे ऑडियंस आई थी उनसे भी हम बात करते हैं, और जिन जिन्होंने परफॉर्म किया था उनसे जानते हैं कि कैसा रहा आज यहाँ का एक्सपीरियंस, और जो भी हमारे आर्टिस्ट थे उन लोग के साथ उन्होंने जो उन्होंने पोइट्री सिंगिंग की उसके बारे में पूछते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो भैया जा रहे हैं आप क्या? जी हाँ। पहले अपना नाम बता दीजिए। साहिल गुलिया। तो भाई आपने देखा परफॉर्म? हाँ देखा मैंने। कैसा रहा? काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा, मतलब आर्ट इमर्ज हो के आती है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का। ओके। इतने छोटे शहर में भी आप मतलब छोटा मोटा प्रोग्राम ही करा के, मतलब कोई ना कोई आर्टिस्ट ऐसा इमर्ज हो के आता रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू। तो मैम आपका नाम बताइए पहले तो। हाय, माय नेम इज अनुजा सोनकर। ओके। और मैंने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी कि ये ओपन माइक्स मतलब कितने इम्पोर्टेंट और कितने अच्छे होते हैं, एंड फॉर अ सिटी लाइक झांसी इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें, एंड इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। तो एक बारी क्या होता है, मैं अपने कज़न भैया के साथ होती हूँ, तो वो मेरे से ये बोलते हैं कि क्या झांसी में, मतलब झांसी में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, और जब मैंने ये बताया कि अरे नहीं यहाँ पे होता है ओपन माइक और पिक्चर्स दिखाई, तो बहुत शौक थे कि झांसी जैसी सिटी में ऐसा हो रहा है। तो आई फील वेरी नाइस कि सब हो रहे हैं, एंड आई थिंक कि फ्यूचर में ऐसा होते रहना चाहिए, एंड आई विल आल्सो रियली लाइक टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट प्रोग्राम आल्सो, एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग हियर, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और लोगों को स्टेज फियर से और मतलब स्टेज फ्राइट से भी ओवरकम करने का मौका मिलता है इन प्रोग्राम्स के थ्रू, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु इज डूइंग दिस। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और एक बार हमारी ऑडियंस को बोल दीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।